See, love is a spiritual stuff and sex is a biological stuff, right? और जिंदगी में इन दोनों चीज़ों की अपनी अपनी महत्व है, right? प्यार की अपनी महत्व और ज़रूरत है, biological needs की fulfillment की अपनी महत्व है और अपनी ज़रूरत है, right? But what we have to understand is that every emotion has some chemical funda, right? And when two chemicals, I mean two emotions comes together, you know, they create some chemistry there, right? तो उसी तरह से जब प्यार और सेक्स जब एक साथ आते हैं, सो द काइंड ऑफ केमिस्ट्री दे क्रिएट इज सो वंडरफुल, और वो एक लाजवाब केमिस्ट्री वहाँ पर बनाते हैं, right? इसलिए हमने अक्सर ऐसा सुना होगा कि यू नो, अगर आपने किसी को प्यार किया है और अगर आपने उसके साथ वो फिजिकल क्लोजनेस अगर आपकी कभी नहीं हुई, राइट, तो यू हैवंट फेल्ट दैट हाईनेस, वो जो चंक है या वो जो एक लेवल है उस रिलेशनशिप में या वो जो मज़ा है उसको आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं, आप कुछ जानते ही नहीं, राइट? वैसे ही जैसे आपने किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, आपने किसी के साथ सेक्स किया है, बट लव वॉजन देयर, देन अगेन वहाँ पर भी आपने उस एक्सटेंट को टच नहीं किया कि वो क्या मज़ा है जब ये दो इमोशन साथ में आते हैं और जो केमिस्ट्री बनती है, राइट? इसलिए अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा बोलते रहते हैं कि यार मैं तो उसे प्यार ही नहीं करता या प्यार ही नहीं करती, तो मैं उसके साथ ये फिजिकल रिलेशन कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, राइट? ये वही लोग कहते हैं अक्सर जिन लोगों ने एक्चुअली कभी किसी से प्यार भी किया है, उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन भी रहा है और उन्होंने उस चीज़ को फील किया है, उन्होंने उस फील उस चीज़ की जो वैल्यू है उसको समझा है और वो ये जानते हैं कि ऐसे किसी अनजान या ऐसे किसी इंसान के साथ वो चीज़ हो ही नहीं सकती, राइट? तो ये पॉइंट इजली भी आ जाता है, जैसे लव एंड सेक्स कम्स टुगेदर एंड दे क्रिएट अ ग्रेट केमिस्ट्री, वैसे ही जब दो बेकार इमोशंस या दो गलत इमोशंस साथ में आ जाते हैं तो वो उतनी ही बुरी केमिस्ट्री भी, उतनी ही टेरिफाइंग चीज़ भी वहाँ हो जाती है। सपोज यू हेट समबडी, आप किसी से नफरत करने लगे हैं और उसके साथ जब आपका सेक्स हो जाता है, राइट, तो ऐसे में अक्सर आपको चीफ वाली फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या कर लिया, राइट? तो ये चीज़ समझनी है कि लव इज़ नॉट द बेस्ट, सेक्स इज़ नॉट द बेस्ट, हैप्पीनेस इज़ नॉट द बेस्ट, व्हाट द बेस्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट इमोशंस। तो हर इमोशन अपनी जगह ठीक है, अगर आप किसी को प्यार करते हैं और आपने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाया तो इट्स ओके, होता है ऐसा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपने किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया है एंड लव वॉज नॉट देयर, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, ये भी होता है, राइट? पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब सही इमोशंस साथ में आते हैं तो जो बात होती है वो अलग ही लेवल पर होती है, दैट्स ऑल।